हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के नए बने राष्ट्रपति जोसेफ रॉमिनेट बिडेन के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जोसेफ रॉमिनेट बिडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 10 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ विल्मिंगटन डेलावेयर चले गए, जहाँ उनके पिता एक कार सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनमें जो बिडेन बड़े थे। जो बिडेन ने शुरुआती शिक्षा कुलीन हाई स्कूल से प्राप्त की थी। वह स्कूल में औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, लेकिन स्कूल में वह स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। 1965 में उन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की थी, और 3 साल बाद उन्होंने सिरेक्यूज विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। 1966 में जो बिडेन की शादी नीलिया हंटर से हुई, जिनके साथ उनके 3 बच्चे हुए, जिनके नाम हंटर बिडेन, ड्यू बिडेन, नॉमी बिडेन थे। 1972 में 29 साल की उम्र में जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे कम उम्र के सीनेट बने, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, क्योंकि सीनेट बनने के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वर्षों बाद जो बिडेन ने 2015 में इस घटना के बारे में बताया कि 1972 में वह डेलावेयर के सीनेट पद के लिए चुने गए थे, और जब वह पद ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्हें पुलिस ने फ़ोन कर बताया कि आपकी पत्नी और 3 बच्चे क्रिसमस की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे थे। तब एक ट्रैक्टर ट्रेलर से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपकी पत्नी और बच्ची की मृत्यु हो गई है और दोनों लड़के बुरी तरह घायल हैं। एक्सीडेंट के वक्त जो बिडेन की पत्नी 30 साल की थी और नाओमी सिर्फ 1 साल की थी, और उनके बेटे हंटर और ब्यू क्रमशः 4 और 3 साल के थे। जब उन्हें पता चला, वह शपथ ग्रहण छोड़कर अपने बेटों के पास पहुंच गए थे। बेटों की हालत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में बहुत दिन लगने वाले थे। तब उन पर शपथ ग्रहण करने का दबाव बनने लगा था, लेकिन वह अपने बेटों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही उनके बेटों के बेड के बगल में ही रहकर शपथ ग्रहण करवाया गया था। वह 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि नीलिया और नाओमी के गुजरने के बाद का समय उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा था, क्योंकि उन्हें अब सीनेट का कार्य करना था और बच्चों को भी संभालना था, और बच्चे अपनी माँ और बहन के बारे में पूछते थे, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाते थे उन्हें। वह समय उनके लिए इतना मुश्किल हो चुका था कि वह आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगे थे, लेकिन वह अपने बच्चों के बारे में सोचकर रुक जाते थे, क्योंकि उनके बाद उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। फिर उन्होंने ठान लिया कि अब कभी इस तरह की नहीं सोचेंगे और अपने काम और बच्चों के बीच समन्वय बनाकर रखेंगे। और फिर 1975 में बिडेन की मुलाकात जिल जैकब्स के साथ हुई, जिनसे उन्हें प्यार हुआ और उन्हें सख्त जरूरत भी थी। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि परिवार फिर से पूरा हो सकता है। फिर उन्होंने 1977 में शादी कर ली और 1981 में एक बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम एस्ले बिडेन है। अमेरिकी सीनेटर के रूप में उनकी भूमिका के अलावा जो बिडेन बिडिंगर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ की शाखा विलिंगटन डेलावेयर में एक सहायक प्रोफेसर 1991 से 2008 के बीच रह चुके थे। डेलावेयर से अमेरिकी सीनेटर के रूप में 36 साल बिताने के बाद जो बिडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने थे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा ने उन्हें 2008 में उन्हें अपना उपराष्ट्रपति के पद पर चुना था। उन्होंने 2008 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया था। जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति बनने के बाद बड़े पैमाने पर आर्थिक और विदेश नीति पर ध्यान केंद्रित किया था, और उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर बेहतरीन काम किया था, इसलिए 2020 में अक्टूबर में होने वाले चुनाव में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के सामने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था। बाइडेन ने कमला हैरिस की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक बहादुर योद्धा और अमेरिका के बेहतरीन नेताओं में से एक हैं। जो बिडेन अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों और अफ्रीकन लोगों को लुभाने के लिए कमला हैरिस को चुना था, क्योंकि कमला हैरिस के पिता अफ्रीकी मूल के थे
जबकि उनकी माँ भारतीय थी। जिनकी टोटल आबादी अमेरिका में 22% है, जो किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की हर क्षेत्र में मदद करते थे, चाहे पाकिस्तान का मामला हो या चीन का। जैसे पाकिस्तान के आतंक का मामला हो, धारा 370 हो और चीन के साथ गलवान घाटी विवाद हो, हमेशा भारत का साथ दिया। अब जो बिडेन ने भी भारत का साथ देने की घोषणा की है। जो बिडेन ने सीधे और सपाट लहजे में भारत से दोस्ती की बात की है। बिडेन ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत जो सरहद पर आतंकी चुनौतियां झेल रहा है, अमेरिका आतंक खत्म करने के लिए भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि चाहे ट्रंप हो या बिडेन, वो भारत का साथ देंगे ही देंगे। दरअसल अमेरिका में 41 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें से 15 लाख वोट डाल सकते हैं। ये 15 लाख वोटर राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका में रह रहे भारत के लोग सिर्फ वोटर बस नहीं हैं, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े CEO भारतीय हैं, जो किसी भी जीत को में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहा जाता है कि वहाँ यहूदी लॉबी के बाद सबसे मजबूत लॉबी भारत की है, जो अमेरिका के चुनाव में बड़े उलटफेर करने का मादा रखती है। यही वजह है कि ट्रंप और बिडेन भारतीय मूल के वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।